ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत घुंघर में 70 लाख की लागत से बनने वाले ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र का शिलान्यास किया और 14 लाख से निर्मित ग्राम पंचायत आईमा के नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल, पूर्व मंत्री रविंद्र रवि, पूर्व विधायक दूलोराम और प्रवीण शर्मा तथा उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आईमा और घुंघर पंचायतों के सभी सदस्यों को कचरा संयंत्र और मॉडल पंचायत भवन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि कचरा निषिद्धान मौजूदा समय में सबसे बड़ी समस्या है और प्रदेश की पंचायतों को स्वच्छ व सुंदर रखने के लिए आईमा पंचायत के स्वच्छता मॉडल को पूरे प्रदेश में आरंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर 2019 तक प्रदेश की 500 पंचायतों में कचरे के निषिद्धान के लिए क्लस्टर बनाकर कार्य किया जाएगा और 2020 तक प्रदेश की 1000 पंचायतों में ऐसे संयंत्र स्थापित करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश को देश में जीरो वेस्ट राज्य के रूप में स्थापित करना हिमाचल सरकार की प्राथमिकता है। कंवर ने कहा कि पंचायतों को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है और आने वाले समय में पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर अधिक न्यायिक शक्तियां भी दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सूची से बाहर करने का कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन वर्षों से लगभग 2,82,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले नियमों की समीक्षा की गई है और चयन के पैरामीटर भी तय किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बार विद्यार्थी परिषद ने वन महोत्सव के दौरान 1 लाख पौधे रोपे हैं। एबीवीपी ने पौधारोपण के साथ उनको बचाने का संकल्प भी लिया है। प्रदेश व्यापी अभियान के दौरान रामपुर कॉलेज की एबीवीपी इकाई और कॉलेज की एनसीसी इकाई ने शिंगला पंचायत में क्षेत्र में लगभग 3,000 पौधे रोपित किए। पौधारोपण अभियान के दौरान छात्र छात्राओं ने क्षेत्र के लोगों से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया। एबीवीपी और एनसीसी के छात्रों ने बताया कि उनका मकसद पौधारोपण ही नहीं बल्कि उन पौधों की देखभाल समय समय पर करने का प्रयास रहेगा। वे संदेश देना चाहते हैं कि आज मानव जीवन के लिए पर्यावरण संरक्षण कितना जरूरी है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे सुरक्षित रह सकता है, लोगों को इस बारे में भी विस्तृत ज्ञान दिया गया। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध एवं प्रमुख श्रीखंड महादेव यात्रा आधिकारिक रूप से समाप्त होने के बाद यात्रा मार्ग में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। श्रीखंड मार्ग क्षेत्र में पड़ने वाली पंचायतों की महिलाएं एवं युवकों ने जंगल एवं नदी नालों की चरणबद्ध सफाई शुरू कर दी है। उनका कहना है कि जंगल और प्राकृतिक संपदा स्वच्छ रहेगी तो पर्यावरण संरक्षण बढ़ेगा। उन्होंने श्रद्धालुओं और यात्रा मार्ग में लंगर चलाने वालों को भी सफाई का विशेष ध्यान रखने के प्रति जागरूक करने का काम किया। उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री के प्रयासों को सफल बनाने व महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए हर नागरिक को इस दिशा में आगे आना चाहिए। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के बागीपुल जाओ से श्रीखंड यात्रा होती है। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर पहुंचते हैं। इससे यात्रा मार्ग और जंगल में प्लास्टिक और अन्य कचरा जमा हो जाता है। इससे जंगल और प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए क्षेत्र की महिला मंडल व युवक मंडलों ने सजगता के साथ काम किया है। उनका कहना है कि प्रकृति ने क्षेत्र में अलौकिक सुंदरता और संसाधन दिए हैं, इसे बचाए रखना सबका कर्तव्य है। इसी उद्देश्य को लेकर लगातार सफाई के साथ श्रद्धालुओं और लंगर संचालकों को
सचेत भी किया जा रहा था। महिला मंडल चूली की प्रधान योमा ठाकुर ने बताया कि जाओ से सिंगार नामक स्थान तक सफाई अभियान चलाया गया। लंगर संचालकों को भी सफाई का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कचरा इधर उधर ना फेंके और एक स्थान पर ही रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। श्रीखंड सेवा समिति के प्रधान मोहन सिंह ने बताया कि श्रीखंड यात्रा में देश के कोने कोने से लोग आते हैं। इस बार आधिकारिक यात्रा से पहले 10,000 और आधिकारिक यात्रा के बाद 5,000 श्रद्धालु श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए गए। आधिकारिक तौर पर यात्रा बंद हो चुकी है, लेकिन श्रद्धालुओं का जाना 15 अगस्त तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस बार सफाई अभियान पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।